एक गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी एफिशिएंसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में। इसके पहले भी वीडियो बन चुकी है, आप उसके लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप सेफ्टी के प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले हैं सेफ्टी एफिशिएंसी से या फिर जनरली जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं पाइपिंग का या फिर सेफ्टी एफिशिएंसी के लिए, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर को क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप फायर को क्लासीफाई कीजिए। तो पहला बताएंगे कि क्लास ए फायर जिसमें कि आता है वुड, पेपर, क्लोथ, रबर, ईटीसी। क्लास बी का फायर में जाता है वाइल, गैसेस, पेंट, पेट्रोलियम, ईटीसी। क्लास सी फायर में आता है एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। और क्लास डी फायर में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। और क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मुझे ब्लॉग पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ब्लॉग को पढ़ सकते हो, सेम कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर ये है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी, ई और क्लास ई फायर तक है, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है फायर के, ठीक है, बहुत ईजी है। आप ऐसे सिंपल याद कर सकते हो ए बी सी डी ई ई तक, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि क्लास ए फायर में किस चीज़ में अगर आग लगता है तो उसे क्लास ए फायर कहेंगे। जैसे कि आप ये चीज़ें जो है आप ध्यान से याद रखना, जैसे कि क्लास ए में जो तरह पेपर, वुड, क्लोथ, रबर हो, क्लास बी में जो वाइल, ग्रीसेस, पेंट या फिर वाइल में आग लगती है, तो क्लास सी फायर में एसिटिलीन, मीथेन और इथेन में जब आग लगती है तो उसमें आता है, और क्लास डी फायर में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, और क्लास ई फायर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कल का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आप ब्लॉग पे पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ब्लॉग पे आप ये सेम कंटेंट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सीडेंट मैकेनिकल हैंडलिंग, मतलब कॉजेज जो मैकेनिकल हैंडलिंग करते समय क्या कॉजेज हो सकता है, जो कि मैकेनिकल अगर हम काम कर रहे हैं उसमें क्या कॉज होता है एक्सीडेंट की। तो ये सडन फेलियर ऑफ वायर, रोप एंड चैन, ठीक है, स्लिपिंग ऑफ लोड फ्रॉम सीलिंग, स्विंगिंग ऑफ द लोड एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग, उसके वजह से द लोड समटाइम्स हिट्स द मैन। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चार कंटेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो चीज़ें अगर आप मैकेनिकल हैंडलिंग कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को आप कोट करवा रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप लिफ्टिंग करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि वायर रोप का फेलियर हो जाना, सडन फेलियर हो जाना, या फिर स्विंगिंग हो जाना मटेरियल का, ठीक है ना, अचानक से, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो, या फिर यहाँ पे जो भी रिगर हैं वो सही से इंडिकेशन नहीं दे पाते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहती है फ्रेंड्स मैकेनिकल हैंडलिंग करते वक्त एक्सीडेंट होने का जो कॉज रहता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग, आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप सिंपल ऐसे जवाब देंगे इसका, इट इज़ ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन और मटेरियल और वर्किंग सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म का बनाया जाता है जिस पे हम चढ़ के, अगर हाइट पे काम है तो वहाँ पे चढ़ के हम आसानी से काम कर सकें और मटेरियल को भी रख सकें। तो ऐसा प्लेटफॉर्म टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम चढ़ के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो है स्कैफोल्डिंग में, जैसे कि रोबोट रहता है, ठीक है, पाइप रहती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। स्कैफोल्डिंग पे वीडियो बन चुकी है फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट पे वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वेलफेयर मेजर ऑफ द फैक्ट्रीज, मतलब वेलफेयर फैक्ट्री में वेलफेयर मेजरमेंट क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, पहला यहाँ पे सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। उसके वजह से फैसिलिटी फॉर सीटिंग, ड्रेस, रेस्ट रूम, वॉशरूम शुड बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह भी होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड होना चाहिए, आराम करने के लिए रूम होना चाहिए, पीने के लिए अच्छा पानी होना चाहिए, ठीक है, वेलफेयर ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे वर्कर जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, तो ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। और फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये तरह वेलफेयर, मतलब वेलफेयर वर्कर के लिए वेलफेयर चीज़ें क्या है, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे ये चीज़ें जो होनी चाहिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया मान लो तो वो डिस्कस करने के लिए ऑफिस में जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब रेस्ट रूम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आके आदमी को आराम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फोर्कलिफ्ट, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि टेल
टेल अस व्हाट इज फोर्कलिफ्ट ट्रक, फोर्कलिफ्ट ट्रक क्या है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, इसका सीधा सा सवाल आपको जवाब देना है। इट इज़ डिजाइन टू हैंडल हैवी लोड्स, मतलब ज़्यादा अगर भारी लोड है, ज़्यादा लोड है उसको हैंडल करने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रक का यूज़ किया जाता है। जैसे आप पिक में देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्कलिफ्ट ट्रक है, इसका हमको ज़्यादा मतलब ज़्यादा भारी चीज़ों को उठाने के लिए, ज़्यादा पोर्ट्स को पोर्ट करवाने के लिए, उसके द्वारा ज़्यादा हैवी लोड को पोर्ट करवाने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम हैवी फोर्कलिफ्ट ट्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। आप ये चीज़ याद रखना, हैवी मटेरियल को ले जाने के लिए, लाने के लिए जिस ट्रक का यूज़ किया जाता है उसे फोर्कलिफ्ट ट्रक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, लास्ट 5 क्वेश्चन बताया था आपको। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में, अगले दिन। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और लाइक फ्रेंड्स आप करते नहीं हो, ठीक है, आप देख लेते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एंड इस वीडियो में इतना ही, और देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।